हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट होंगे। अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है, मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। आज 2 अप्रैल 2022 है और आज के न्यूज़ एनालिसिस कवर करने के पहले सबसे पहले मोटिवेशनल कोट यहाँ पे कवर करते हैं, जो कि बबीता सहनी के द्वारा लिखा गया है आज की सुबह मॉर्निंग वाले 1 मिनट वाले वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में। और देखिए, सभी लोग लिखे कोटेशंस अच्छा लगता है मुझे, सभी के कोटेशंस पढ़ने मैं पढ़ता हूँ। भले ही उस टाइम पर नहीं पढ़ पाता हूँ, थोड़ा लेट से पढ़ता हूँ, लेकिन मैं सारे के कोटेशन जरूर पढ़ता हूँ और रिएक्शन जरूर देता हूँ। मेरे लाइक्स आपको मिल ही जाते होंगे आपके कोटेशंस के ऊपर। तो यहाँ पर जो इनके द्वारा लिखा गया है, बबीता सहनी के द्वारा लिखा गया आज सुबह मॉर्निंग में 10 बजे वाले शॉर्ट वीडियो में, इफ यू कंटिन्यू टू थिंक द वे यू हैव ऑलवेज थॉट, यानी जैसा कि आप अब तक सोचते हुए आ रहे हैं और उसी तरह से चीजें आपको मिलते हुए भी चली आ रही है। जितना भी चीजें आज के डेट में आप प्राप्त किए हैं, जो अचीवमेंट आपने हासिल किया है, वो जो जिस लेवल की थिंकिंग थी, उसी लेवल के थिंकिंग पे वो सारी चीज़ें आज तक आपको मिलती हुई चली आ रही है और ये आपको आगे भी ऐसे ही मिलते हुए चलेगी। अगर आप जो थिंकिंग प्रोसेस, जो जो चीज़ें आप सोच रहे हैं, जिस लेवल पे आप सारी चीज़ें सोच रहे हैं, उसी के लेवल पे आपको सारी चीज़ें प्राप्त होते हुए चली है। अगर उससे ऊपर की चीज़ों को आपको आपको अचीव करना हो, तो उसके लिए अपने थॉट्स को भी क्या करने पड़ेंगे, इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है। अपने आप में डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ये बात ध्यान रखते चलेगा तो ही जा करके आपके अचीवमेंट भी बड़े होते हुए चलेंगे, इससे बड़ी बड़ी चीजें आप हासिल करते हुए चलेंगे, बड़े बड़े लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हमेशा अपने थॉट्स प्रोसेस को सेम ही ना रखा करें, इसको हमेशा अपग्रेड करते हुए चले, हमेशा कोशिश करें कल से बेहतर आज अपने आप को बनाने का, और फिर कल आने वाला जो कल है उसमें आज से बेहतर बनने का। जो गलतियां पास्ट में हुई है उसको आपको रिपीट नहीं करनी है, जो फेलियर्स आपने फेस किए हैं, जिस गलतियों के वजह से फेस किए हैं, वो गलतियां आपको रिपीट नहीं करनी है। इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है और अपने थॉट प्रोसेस को हमेशा डे बाय डे आपको क्या करना है, अपग्रेड करते हुए चलना है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। तो जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपको सारी चीज़ें प्राप्त होती हुई चलती है, ये यहाँ पे इनके द्वारा कहा जा रहा है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, बिहार न्यूज़ कवर करने के पहले सबसे पहले हम लोग मैप एनालिसिस करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले ये आपका है बिहार का मैप, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश को आपका बॉर्डर शेयर कर रहा है, झारखंड यहाँ पे टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल यहाँ पे टच कर रहा है, नेपाल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ये सारे जो जिला हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेस्ट चंपारण आपको यहाँ देखने को मिलेगा, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, पटना, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फर, वैशाली, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये सारे जिला आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार के, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। सबसे पहला न्यूज़ जो आपके सामने यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने लास्ट 2 दिन से हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं, भारत और नेपाल के पीएम दिखाएंगे हरी झंडी। कहाँ से, ये किस चीज़ की बात कही जा रही है, भारत नेपाल के बीच यहाँ पे ट्रेन चल गई है, दौड़ गई है, ये ध्यान रखिएगा। जयनगर स्टेशन पर भव्य यहाँ पे तैयारी की गई है, शुभारंभ का होगा सीधा प्रसारण, तो वर्चुअली यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया, ये ध्यान रखिएगा। तो 8 साल के लंबे इंतजार के बाद आपको ये देखने को मिलेगा, 8 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत और नेपाल के बीच फिर ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर टेवा शनिवार को संयुक्त रूप से दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस से जयनगर, जनकपुर, कुर्था तक के परिचालन का उद्घाटन यहाँ पे करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन जयनगर और जनकपुर दोनों स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दोनों देशों के स्टेशन जयनगर और जनकपुर पर हैदराबाद हाउस दिल्ली में होने वाला उद्घाटन कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट यहां पर दिखाया जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। एसएसबी के अलावा रॉ इंटेलिजेंस, जिला व नेपाल पुलिस के अधिकारी सुरक्षा के एक एक पहलू की जांच कर रहे हैं। अधिकारी पुलिस बल व डॉग स्क्वाड से ट्रैक की निगरानी भी कराई गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 748 करोड़ से भारत नेपाल में बन रही है 69.08 किलोमीटर रेल संरचना, उसी को लेकर के बात कही जा रही है। 1937 में नैरो गेज ट्रेन का परिचालन यहाँ पे शुरू हुआ था, देख सकते हैं। आएगी आर्थिक संपन्नता, रेल सेवा शुरू होने से दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का संबंध और प्रागढ़ होगा, इससे दोनों देशों का रिश्ता और मजबूत होगा।
ठीक है। नेपाल के नरवा स्टेशन पर ट्रेन को फूलों से यहाँ पे सजा रहे कर्मी, इसी ट्रेन का जयनगर से होगा परिचालन। आप यहाँ पे देख सकते हैं यही ट्रेन आपकी जयनगर से चलेगी, ठीक है, नेपाल के, नेपाल और यहाँ पे भारत के बीच में ये आपको कनेक्ट करेगा, ठीक है। जयनगर व हावड़ा के बीच में फिर चलेगी पैसेंजर ट्रेन, उसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। 784 करोड़ रुपये से जयनगर बिसलपुर बल्तीवास रेल योजना का निर्माण कराया गया है। पहले फेज में नव अमान पर्वती 34.5 किलोमीटर लंबे जयनगर जनकपुर धाम कुर्था रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन पुनर्बहाल किया जा रहा है। बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर स्टेशन को नेपाल के कुर्था से जोड़ा जा रहा है। कुर्था से बिजलपुरा तक दूसरे फेज 18 किलोमीटर लंबे रेलखंड का कार्य पूरा किया जा चुका है, ठीक है। तीसरा फेज यहाँ पे बिजलपुरा से देखने को मिलेगा। 16 किलोमीटर लंबे रेलखंड का निर्माण नेपाल द्वारा भूमि अधिग्रहण के बाद किया जाएगा, ठीक है। उसी से लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। 10 साल के बाद सरायगढ़ ललित ग्राम ट्रैक पर दौड़ी ट्रेन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 साल बाद 1 अप्रैल से सरायगढ़ से ललित ग्राम तक ट्रेन के चालू होने से बड़ी रेल लाइन पर सफर का सपना और लोगों का पूरा हुआ है। शुक्रवार दोपहर 12:22 बजे 12:22 मिनट पर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की सीटी बजते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। 80 किलोमीटर की रफ्तार से पहले दिन चली ट्रेन, ट्रेन की सीटी बजते ही लोगों में दौड़ी खुशी की लहर, ठीक है। उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। आगे बढ़ते हैं तो ट्रेन चलनी स्टार्ट हो गई है भारत नेपाल के बीच में। एक संयुक्त अभ्यास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोनों देशों के बीच में। एक कोलेब्रेशन देखने को भी बात कही जा रही है। मजबूती यहाँ पे होगा दोनों देशों के बीच में रिश्तों का, और यहाँ पे मजबूती देखने को मिलेगा दोनों देशों में, और अच्छे से कोऑपरेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों देशों के बीच में यहाँ पे किया गया है, ठीक है। मजबूत किया जा रहा है यहाँ पे दोनों देशों के बीच में रिश्ता, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है इस ट्रेन के दौरान। सेकेंड नंबर न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आज का सेकेंड नंबर जो न्यूज है वो कहलगांव में बन सकता है दूसरा कोल लिंकेज थर्मल पावर प्लांट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 मार्च को पटना में खनन विभाग की हुई थी बैठक। उस बैठक में 3 किलोमीटर दूर गंगा बहती है खनन क्षेत्र से, और माधेपुरा में मिली कोयले की खान के बाद अब बन रही है योजना। जीएसआई ने गंगा के समीप होने से खनन में खतरा बताया था। तो कहलगांव में एक और कोल लिंकेज थर्मल पावर प्लांट की संभावना है। कुछ माह पहले अनुमंडल क्षेत्र के माधव रामपुर में मिली कोयले की खान के बाद सरकार इसको लेकर योजना बना रही है। बीते 25 मार्च को पटना में खनन विभाग की हुई बैठक में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अलावा धनबाद से आए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और सेंट्रल लाइन प्लानिंग एवं डिजाइन इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ अभियंताओं ने खनन में आने वाली बाधा पर चिंता जताई है। जीएसआई के अफसरों ने माधोरामपुर के कोल ब्लॉक के समीप बहने वाली गंगा से खनन में खतरा बताया है। जीएसआई का कहना था कि खनन क्षेत्र से मात्र 3 किलोमीटर दूर गंगा बहती है, इसलिए डर है कि खनन में जल भराव हो जाएगा और काम करने में बाधा आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला कोल ब्लॉक अटैच थर्मल, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि ये आपका होगा कहलगांव में, ठीक है। और ये धनबाद से आए माइंस इंजीनियर ने खनन क्षेत्र के समीप थर्मल की स्थापना की सलाह दी है। बीसीसीएल व सीएमपीडीआई के अभियंताओं ने बताया कि देश में कुछ जगह में कोल ब्लॉक के पास ही थर्मल प्लांट लगाया गया है, इससे कॉस्टिंग कम आएगी। हालांकि बिहार व झारखंड में ऐसा कोई प्रोजेक्ट अभी तक नहीं है। देखिए यहाँ पे अखलाक हुसैन के द्वारा क्या कहा जा रहा है, ये जिला खनिज विकास पदाधिकारी है भागलपुर में। पटना में हुई बैठक, ये बैठक कब हुई थी, ये बैठक हुई थी 25 मार्च को। इस बैठक में माधोरामपुर का मुद्दा था। कोयला क्षेत्र से सटे गंगा के होने के बाद खनन में आने वाली बाधा पर चर्चा में ही थर्मल प्लांट की बात आई। मुख्यालय स्तर पर मंथन हो रहा है, इस पर चिंतन किया जा रहा है, इस पर बात हो रही है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है गंगा नदी के किनारे को लेकर के। ये यहाँ पर डिस्कशन, यहाँ पे सारी चीजें की जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर न्यूज की तरफ बढ़ते हैं आज का। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेटनरी कॉलेज की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। वेटनरी कॉलेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेटनरी कॉलेज किसको कहते हैं, बेसिकली वेटनरी कॉलेज आपका जो पशु और जानवरों से रिलेटेड जो पढ़ाई होती है ना, पशु चिकित्सक, यहाँ पे आप देख सकते हैं देश का 5वां सबसे पुराना वेटनरी कॉलेज यानी बिहार पशु चिकित्सक महाविद्यालय, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय शनिवार को 95 साल का हो गया है। कितने साल का हो गया, 95 साल का हो गया। इस महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1927 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर रहे सर हेनरी व्हीलर ने इसका 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 बेसिकली स्थापना किया था 1927 में, ठीक है। यहीं पर देश में सबसे पहले क्रॉस ब्रीडिंग शुरू हुआ था, क्रॉस ब्रीडिंग सबसे पहले यहीं पर देश में ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय की बात कही जा रही है। जो वाइस चांसलर डॉक्टर रमेश्वर सिंह ने बताया कि वेटनरी कॉलेज में देसी गोवंश संरक्षण के लिए काम हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं देसी गोवंश
संरक्षण के लिए यहाँ पे काम हो रहा है। बिहार पशु चिकित्सक महाविद्यालय पिछले कई सालों से बुरे दौर से गुजर रहा है। हाल यह था कि सीटें भी नहीं बढ़ती थी, वर्तमान सत्र में 60 सीट पर नामांकन हो चुका है। आज के डेट में आप देख सकते हैं टोटल 60 सीट पर यहाँ पे एडमिशन हुआ है। छात्र छात्राओं में वेटनरी शिक्षा के प्रति बढ़ते रुझान को देखते हुए नए सत्र से 15 सीटें बढ़ा दी जाएगी। अब 75 सीटों पर क्या होगा, दाखिला लिया जाएगा। ठीक है, तो बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय की बात कही जा रही है। 1927 में इसके उद्घाटन की गई थी हेनरी व्हीलर, जो उस टाइम पे सर हेनरी व्हीलर जो कि उस समय गवर्नर थे, उनके द्वारा बेसिकली इसकी स्थापना की गई थी। 95 साल का ये आज के डेट में देखने को मिलेगा, जो कि ये हो गया है, शतक बनाने की कगार पे है। 5 साल के बाद इसकी शताब्दी समारोह यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अभी आपको देखने को मिलेगा चैती छठ आ गया है, चैती छठ आ गया है ना। चलिए बताइएगा किन किन के घर में यहाँ पे छठ हो रहा है। ठीक है, ये चैती छठ, ये पटना के 28 गंगा घाटों पर सफाई यहाँ पे शुरू हो गई है। पटना में गंगा के किनारे 28 घाटों पर चैती छठ को लेकर सफाई कार्य शुक्रवार से शुरू कर दिया गया है। कब से शुरू किया गया, शुक्रवार। देखिए, बिहार का ये सबसे पवित्र पर्व माना जाता है, और बिहार का ही पर्व ये माना जाता है, और पूरे हिंदुओं में सबसे टफेस्ट पर्व ये आता है, ये ध्यान रखिएगा। सभी के बस की बात नहीं होती, इस पर्व को करने को लेकर के बहुत ही मनोबल चाहिए होता है, बहुत ही डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है और आस्था की जरूरत होती है, ये ध्यान रखिएगा। सबके बस की बात नहीं होती इस पूजा को करने के लिए, और जो इस पूजा को करते हैं वो बेसिकली बहुत ही सौभाग्यपूर्ण लोग होते हैं जिनके द्वारा ये पूजा की जाती है, क्योंकि बहुत वो लकीस्ट पर्सन, मेरे द्वारा वो लकीस्ट पर्सन होते हैं, उनको बहुत मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत वरदान साबित होता है उनके लिए, जो इसको बहुत अच्छे तरीके से निष्ठापूर्वक इसको पूरा करते हैं। तो पटना में गंगा के किनारे 28 घाटों पर चैती छठ को लेकर सफाई कार्य शुक्रवार से शुरू कर दिया गया है। नगर निगम के कर्मचारी सफाई कार्य कर रहे हैं, नगर निगम के कर्मचारी सफाई कार्य कर रहे हैं, इन घाटों पर दिन रात काम चलेगा। अधिकारियों का कहना है कि सभी घाटों पर कार्य 4 अप्रैल से पहले शुरू कर लिया गया है, और घाटों पर समुचित रोशनी, शौचालय, पेयजल, वाच टावर आदि का निर्माण किया जाना है। इसके लिए नगर निगम को जिम्मेदारी दी गई है। नोडल अधिकारी आपदा प्रबंधन शाखा के SDM संतोष कुमार झा बनाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि शनिवार को बैरिकेडिंग का काम होगा, उसके बाद अस्थायी शौचालय और पेयजल की व्यवस्था भी की जाएगी। 5 अप्रैल को नहाए खाए से छठ प्रारंभ हो रहा है, और 8 अप्रैल को सुबह के अधर के साथ इसका समापन होगा, अर्घ के साथ इसका समापन होगा, ये ध्यान रखिएगा। चैती छठ आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 अप्रैल को सुबह में, सुबह का अर्घ यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज़ नंबर 5, यहाँ पे आप देख सकते हैं मधुबनी कॉलोनी में नाला नहीं, पूरे साल जल जमाव यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मधुबन कॉलोनी में जमा पानी नाला नहीं होने से जल निकासी नहीं हो पाती है, यहाँ सालों भर पानी पड़ा रहता है, और ये आप देख सकते हैं बीमारी का एक तरह से क्या है, प्रकोप आप देख सकते हैं, इन्विटेशन, ये बीमारी का देख सकते हैं। पानी यहाँ जमा हुआ है, पूरे साल भर रहता है, सालों से यहाँ पे पानी जमा हुआ है, 6 महीने तक साल में झेलते हैं जल जमाव। न्यू बाईपास के दक्षिण क्षेत्र के ज़्यादातर कॉलोनियों का यही हाल है, एक मोहल्ले का पानी दूसरे मोहल्ले में भेजा जाता है, नहीं बनाया जा रहा है नाला, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। 1996 से मधुबन कॉलोनी में रह रहे हैं, और अभी तक नगर निगम जल निकासी के लिए नाला नहीं बनाया गया। मानसून सीजन में इस क्षेत्र के लोग साल में 6 महीने तक नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, एक मोहल्ले का पानी दूसरे मोहल्ले में भेजा जाता है। न्यू बाईपास के दक्षिण क्षेत्र के ज़्यादातर कॉलोनियों का यही हाल है, न्यू बाईपास के, ये ध्यान रखिए, सभी मोहल्लों में से जल निकासी के लिए कोई एक जगह फाइनल डिस्चार्ज हो सके उसके लिए कोई व्यवस्था अभी फिलहाल नहीं है। यह दर्द है कि मधुबन कॉलोनी के पुराने स्थानीय निवासी पवन कुमार का, पवन ने बताया कि करीब 20 वर्ष बाद भी इस क्षेत्र के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आरसीसी नाला नहीं होने और मोहल्ले का पानी किसी बड़े नाले में फाइनल डिस्चार्ज नहीं होने से क्षेत्र में जल जमा होता है। मैन हॉल चैम्बर की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो वो तो बहुत दूर की बात है, नाला ही नहीं है तो चैम्बर वगैरह तो बहुत दूर की बात है, ये ध्यान रखिएगा। मधुबन कॉलोनी की बात कही जा रही है, न्यू बाईपास के पास। तो केंद्र ने बिहार को तय कोटा से दी अधिक राशि, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं अधिक राशि यहाँ पे दी गई है, जितना जितना राशि था, जितना राशि देना था उससे ज्यादा राशि यहाँ पे दिया गया केंद्र के तरफ से, किसको, बिहार को। इस साल केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को NH निर्माण के लिए आवंटित कोटे से लगभग 100 करोड़ की राशि अधिक दी है। आप देख सकते हैं 100 करोड़ की राशि अधिक दी है इनके द्वारा, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए राज्यों का कोटा तय करते हुए केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 2958 करोड़ तय किया था, 2958 करोड़ रुपये यहाँ पे तय किया गया था। सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य में बनने वाली 240 किलोमीटर सड़कों की बजटीय मंजूरी देते हुए 3054 करोड़ की मंजूरी दी थी। वैसे बिहार ने
एनएच निर्माण को बिहार ने केंद्र से 3400 करोड़ रुपए की मांग की थी। जिन सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी गई है उनमें एनएच 101 छपड़ा महमदपुर के बीच 15.5 किलोमीटर सड़क शामिल है। इसके निर्माण के लिए केंद्र ने 84 करोड़ 85 करोड़ की मंजूरी दी है। एनएच 104 में शिवहर चिक्किया रोड में छूटे हुए सड़क 1.32 किलोमीटर के लिए केंद्र ने 5.76 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। एनएच 120 के तहत गया डुमराव से 4.3 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 3.14 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो ये वैसे ही आपको हर जगह देखने को मिलेगा जहाँ जहाँ पे ये सभी को मंजूरी यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 427 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई एनएच 319A मोनहेसा चौसा बक्सर में 45 किलोमीटर। तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। मानकों पर खड़ा उतरा है बिहार, ये नितिन नवीन के द्वारा बोला जा रहा है। सूबे में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि हम केंद्र सरकार के आकांक्षाओं पर खड़े उतरे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने नितिन गडकरी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि बिहार के द्वारा समर्पित परियोजनाओं को एक एक कर केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल रही है। इस वक्त 385 किलोमीटर सड़कों के अवार्ड का लक्ष्य रखा गया था जिसे पथ निर्माण विभाग ने पूरा कर लिया। साथ ही निर्माण का 99% लक्ष्य भी पूरा करते हुए 304 किलोमीटर सड़क का निर्माण यहाँ पे किया गया है, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। 7वें नंबर न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। 1685.20 करोड़ की राशि यहाँ पे स्वीकृत की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को 1154.59 करोड़ तथा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को 530.6 करोड़ की कुल 1685.20 करोड़ की पूंजी स्वीकृत की है। चूंकि ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार का 50%, प्रयोजक बैंक का 35% तथा राज्य सरकार का 15% का शेयर है, इसलिए उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्रयोजक बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 404.10 करोड़ तथा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के प्रयोजक बैंक PNB 185.72 करोड़ और बिहार सरकार को क्रमशः 173.19 करोड़ व 79.59 करोड़ अर्थात 252.78 करोड़ का पूंजीकृत अंशदान करना है, ठीक है। 8वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, फ्लैग मार्च की बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया, तो रामनवमी को लेकर पुलिस अभी से ही अलर्ट हो गई है। SSP डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लो ने के निर्देश पर शुक्रवार को पटना के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने दलबल के साथ फ्लैग मार्च किया है। इस दौरान पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया कि यदि उनके द्वारा कहीं पर भी अशांति फैलाने की कोशिश की गई तो पुलिस उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। उसी को लेकर के आपका न्यूज़ है। कब है रामनवमी जल्दी बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा रामनवमी का त्यौहार कब है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रामनवमी का त्यौहार किस दिन है वो आपको बताना है, और रामनवमी क्यों सेलिब्रेट किया जाता है बताइएगा रामनवमी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा रामनवमी जो है क्यों मनाया जाता है। होमवर्क है आपका, होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में कीजिएगा रामनवमी बनाने का आखिर मकसद क्या है, क्यों मनाया जाता है रामनवमी। 9वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे देख सकते हैं उच्च शिक्षा को लेकर के सकल नामांकन अनुपात में नए सत्र से होगी बढ़ोतरी। नए सत्र से यहां पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, किस सेक्टर में यह आपको देखने को मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में। बिहार के सभी विश्वविद्यालय ने ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन आवेदन भरा है। इसी रिपोर्ट के अनुसार सकल नामांकन अनुपात का डाटा भी किया जाता है जारी। बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का सफल नामांकन अनुपात पिछले साल की तुलना में बढ़ेगा। पिछले सत्र की तुलना में लगभग 5% तक GIR रेट बढ़ने की उम्मीद है। अब तक बिहार का GIR 14.5% था। इसे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार का शिक्षा विभाग काफी तेजी से कार्य कर रहा है। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार सभी 15 विश्वविद्यालयों ने अपना डेटा अपलोड कर दिया है, डेटा जो है वो अपलोड कर दिया है, ये ध्यान में रखिएगा। उसी को लेकर के बात कही जा रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए 15 अप्रैल तक आवेदन तिथि बढ़ी है, 49 कॉलेजों ने डेटा किया है अपलोड, वही यहाँ पे बात कही जा रही है। इसी के आधार पर मिलता है ग्रांट। ऑल इंडिया सर्वे ऑन एयर एजुकेशन HISEI ने बिहार के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को आवेदन करना है। सत्र 2020-21 के लिए कॉलेजों से प्राप्त डेटा को मानव संसाधन विभाग को भेजना है। इसी आधार पर सकल नामांकन अनुपात का डेटा जारी होता है, ये ध्यान रखिएगा। पिछले सत्र में राज्य का GIR मात्र 14.5% था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसी को लेकर के बात की जा रही, मतलब उच्च शिक्षा के सकल नामांकन यानी एडमिशन को लेकर के, रजिस्ट्रेशन को लेकर के यहाँ पे नए सत्र से होगी यहाँ पे बढ़ोतरी, उसी को लेकर के बात की जा रही। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ पे पीएम मोदी जी अभी अभी बच्चों के साथ इंटरेक्ट किए थे है ना। चलिए मुझे बताइएगा कि बिहार से कितने बच्चे चयनित किए गए थे मोदी जी से इंटरेक्शन के लिए, ठीक है, उनका नाम भी बता दीजिए। हम लोगों ने इस न्यूज़ को कवर किया है, हम लोगों ने इस न्यूज़ को कवर किया, उनका नाम बताना, ये होमवर्क नंबर टू है, ये होमवर्क नंबर टू है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोदी जी के द्वारा बहुत सारे टिप्स भी यहाँ पे दिए गए। परीक्षा एक छोटा सा पड़ाव है, जिंदगी बहुत लंबी है, तनाव मुक्त जीवन जीना चाहिए, परीक्षा को उत्सव के रूप में ले। कोरोना ने अभिभावकों को बच्चों के साथ समय बिताने का मौका दिया है, इसे आगे भी जारी रखें। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने दें, परिवार से ही संस्कार मिलता है, बच्चों को प्रशिक्षित करें। तो केवी बेली रोड में छात्र व पीएम से प्रश्न पूछने वाला अनिरुद्ध परियोजनों के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं। सर, परीक्षा में कम आए तो परिवार की निराशा को कैसे दूर करें? राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय सारण के छात्र हर्ष राज के इस प्रश्न पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परीक्षा में अंक पर ध्यान नहीं देना चाहिए, माता पिता को बच्चे के कम अंक आने पर निराश नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। सेंट कैरेंस हाई स्कूल के छात्र अनिरुद्ध कुमार के प्रश्न का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हौसला कभी कम नहीं करना चाहिए, हमेशा खुद पर विश्वास रखें। इन दो बच्चों के प्रश्न का जवाब प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पे चर्चा के दौरान दिया गया था। शुक्रवार को आयोजित परीक्षा पे चर्चा में इन दोनों छात्रों के प्रश्न की रिकॉर्डिंग दिखाई गई थी। राजधानी पटना के तमाम स्कूलों द्वारा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण स्कूलों द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधा प्रसारण यहाँ पे किया जा रहा है, उसी को लेकर के बात की जा रही है, ठीक है। ये 10वां नंबर न्यूज़ था। 11वां नंबर न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, साई बाबा कदम कुआं का 13वां वार्षिक उत्सव यहाँ पे आज से ये सेलिब्रेट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्री साई बाबा मंदिर कदम कुआं का 13वां वार्षिक उत्सव शनिवार से मनाया जाएगा। 4 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत पहले दिन शनिवार को साई सच्चरित्र पाठ से होगा। श्री साई बाबा सेवा संघ से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि रविवार 3 अप्रैल को सुबह 6 बजे कलश यात्रा साई भक्तों द्वारा निकाला जाएगा। इसी दिन सुबह 9 बजे साई बाबा का अभिषेक कार्यक्रम होगा। 11 बजे हवन के बाद उन्हें 56 भोग समर्पित किया जाएगा, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ध्यान रखिएगा 13वां वार्षिक उत्सव यहाँ पे आज से यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा, ये ध्यान रखिए। 4 दिवसीय यह कार्यक्रम होगा, शनिवार से इसकी शुरुआत होगी। यहाँ पे एक और यहाँ पे न्यूज आप देख सकते हैं, पटना एयरपोर्ट से रिलेटेड है। एक फैसिलिटीज यहाँ पे शुरुआत की गई, कौन सी फैसिलिटीज है? यह है एम्बुलिफ्ट। एम्बुलिफ्ट क्या होता है? तो पटना एयरपोर्ट पर एम्बुलिफ्ट सेवा अब शुरू होगी। एम्बुलिफ्ट क्या होता है? पटना एयरपोर्ट के यात्री सुविधाओं के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपकरण से लैस किया गया है। एयरपोर्ट पर मरीजों और बुजुर्ग यात्रियों की सुविधा के लिए एक एम्बुलिफ्ट सेवा शुरू की गई है। दिव्यांग और बुजुर्ग यात्री इसका उपयोग 100 रुपए शुल्क देकर कर सकते हैं। कई बार गंभीर मरीज उपचार के दौरान कई तरह के लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर होते हैं, ऐसे में स्ट्रेचर के सहारे रैंप के जरिए मरीज को विमान पर चढ़ाने और उतारने के दौरान झटका लगने का खतरा बना रहता है। एम्बुलिफ्ट नाम के इस उपकरण के जरिए क्रिटिकल केयर के मरीजों को भी विमान में ले जाने में मदद मिलेगा। इस एम्बुलिफ्ट के जरिए विमान की ऊंचाई तक बिना किसी विशेष संपादन के मरीज को ले जाया जा सकेगा। यात्रियों की मांग पर इस एम्बुलिफ्ट की सुविधा मरीजों को मिल सकेगी। यह एम्बुलिफ्ट एक अटेंडेंट के अलावा 2 व्हील चेयर या 1 स्ट्रेचर की क्षमता का भी है, ये ध्यान रखिएगा। इसे जमीन से 8 मीटर ऊपर तक उठाया जा सकता है। एयरपोर्ट निदेशक भूपेश नेगी ने इसको लेकर के ये जानकारी दी है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी से रिलेटेड ये एम्बुलिफ्ट की सुविधा अब पटना के एयरपोर्ट पर स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपका 13वां नंबर न्यूज है, ठीक है। इंदिरा आईवीएफ, आईवीएफ पढ़ा है ना हम लोगों ने, इसके बारे में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में ये आपका शामिल लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पूरे किए 1 लाख सफल आईवीएफ, तो 1 लाख सफल आईवीएफ यहाँ पे पूरे हुए हैं। इंदिरा आईवीएफ ने 1 लाख सफल आईवीएफ प्रक्रिया पूरी करके देश में बड़ा आयाम स्थापित किया है ना। इंदिरा आईवीएफ कंकड़बाग सेंटर में समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री के निजी सचिव शशांक शेखर सिन्हा उपस्थित रहे। ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन डॉक्टर अजय मुंडिया ने कहा कि पिछले 3 दशकों में पुरुषों के शुक्राणुओं में भारी गिरावट देखी गई है। मौके पर पटना सेंटर हेड डॉक्टर दयानिधि शर्मा भी मौजूद रहे हैं। और जो भी निषेचन, देखिए आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात यहाँ पे कही है, जहाँ पे निषेचन जो होता है शुक्राणु और अंडाणु का, वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है, फैलोपियन ट्यूब में नहीं होता, वो एक टेस्ट ट्यूब में होता है, ये ध्यान रखिएगा।
मदर के जो फीमेल की बॉडी से अंडाणु को निकाल लिया जाता है और शुक्राणु को पुरुष से लेकर के टेस्ट ट्यूब में ही निषेचन बना करके युग्मनज वहाँ पे डेवलप करके उसके गर्भाशय में सीधे महिला के पेट में जो गर्भाशय में उसको डाल दिया जाता है, वहीं पे फिर उसका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो निषेचन प्रक्रिया अगर शरीर के बाहर हो रही है तो उसको हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, याद रखिएगा। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वो स्पर्म और ओवम का, वो फीमेल के बॉडी के बाहर हो रहा है, वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं हो रहा, ओविडक्ट में नहीं हो रहा, तो वही प्रोसेस यहाँ पे IVF आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड न्यूज था। नेक्स्ट नंबर न्यूज, 14 नंबर न्यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीतीश कुमार अपना विमान ईंधन वाणिज्यिक कार्यकाल पूरा करेंगे, जेडीयू के द्वारा ये बोला गया। सीएम नीतीश कुमार अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, ये जेडीयू के द्वारा बोला गया। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने राज्य सरकार में मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। दोनों नेताओं ने यह साफ किया कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बात बिल्कुल भ्रामक और सत्य से भरे हैं, बिल्कुल भ्रामक और सत्य से भरे हैं। श्री कुशवाहा ने शुक्रवार को इस संबंध में ट्वीट किया कि अरे भाई, आदरणीय नीतीश कुमार जी को फिलहाल 5 वर्षों के लिए बिहार की जनता से सेवा का जनादेश प्राप्त है, अर्थात नीतीश कुमार जी ने कहीं नहीं जाने के वाले हैं, मुख्यमंत्री के आगे भी रहेंगे। और संजय झा ने कहा कि बिहार की सेवा करने के लिए उन्हें जनता के जनादेश दिया है, जिसे वे अंतिम समय तक पूरा करेंगे। तो 5 वर्षों के लिए चुना गया, कुशवाहा के द्वारा ये बोला गया। संजय झा बोले हैं मुख्यमंत्री कहीं नहीं जा रहे हैं। दूसरा यहाँ देख सकते हैं, विमान ईंधन वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर महंगा होगा, उसी को लेकर के बात की जा रही है। तो वाणिज्यिक सिलेंडर कीमत 250 रुपये बढ़ेगी, विमान ईंधन 2% महंगा होगा और 7वीं बार बढ़े दाम, ये ध्यान रखिए, 7वीं बार दाम बढ़े उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ठीक है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। डन। नेक्स्ट न्यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये बिहार में 7,000 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे आपको बनेगा 23 राजमार्ग। क्या बनेगा? 23 राजमार्ग यहाँ पे बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। उमगांव से महिषी तक बनेगा धार्मिक कॉरिडोर, आप देख सकते हैं धार्मिक कॉरिडोर यहाँ पे बनने जा रहा है, ठीक है, धार्मिक कॉरिडोर यहाँ पे बनने जा रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो धार्मिक कॉरिडोर कहाँ बनना, केंद्र ने बिहार की बड़ी सौगात दी है, राज्य में प्रस्तावित 23 राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 7,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार ने मिथिलांचल में प्रस्तावित नेशनल हाईवे की मंजूरी दे दी है। धार्मिक गलियारा के तहत मधुबनी के उमगांव से सहरसा, देखिए मधुबनी से उमगांव, मधुबनी से सहरसा के महिषी तक बनने वाली सड़क की बजटीय स्वीकृति मिलने के इस निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इन सड़कों की बजटीय मंजूरी की जानकारी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को खुद ट्वीट करके दी है। इसके साथ ही अब इन सड़कों के बनने का रास्ता साफ है। तो आमस और दरभंगा एक्सप्रेसवे के चौथे खंड को यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है, ये एक्सप्रेसवे यहाँ पे बनने जा रहे हैं, आमस दरभंगा के चौथे खंड को, ये ध्यान रखिएगा। एक 119D समस्तीपुर के बलभद्रपुर से दरभंगा एयरपोर्ट के समीप बेला नवादा NH 57 के पास समाप्त होगा। सड़क निर्माण में कितने खर्च आएंगे? 2,185 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च होंगे। केंद्र सरकार के प्रति हम आभारी हैं, इन सड़कों के निर्माण से बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा, न केवल आवागमन बल्कि व्यापार में भी सुविधा होगी, ये नितिन नवीन के द्वारा बोला जा रहा है, पथ निर्माण विभाग मंत्री, ये ध्यान रखिएगा। एम्स नौबतपुर सड़क का रास्ता भी यहाँ पे साफ हो गया, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ठीक है। ये आपका कितना नंबर न्यूज हो गया? ये 15वां नंबर न्यूज हो गया। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर न्यूज को लेकर के, यहाँ पे पटना मेट्रो के निर्माण में गति तेज करने की बात यहाँ पे कही जा रही है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, कि यहाँ पे निर्देश दिया गया, डायरेक्शन दिया गया है, सजेशन दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्य योजना के अनुरूप पटना मेट्रो रेल के निर्माण कार्य में तेजी लाएं, ताकि जल्द से जल्द लोगों का इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में पटना मेट्रो रेल निर्माण कार्य की प्रगति और अन्य योजनाओं की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी को लेकर के बात कही जा रही है, ताकि लोगों को जल्द से जल्द पटना मेट्रो का सुविधा मिल सके। प्रवासी मजदूरों के ट्रैकिंग के लिए तैयार हो रहा है सॉफ्टवेयर, ठीक है, ट्रैकिंग की बात कही जा रही है, प्रवासी मजदूरों की बात, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बात कही जा रही है कि हम उनको ट्रैक कर सके। अभी आप देख सकते हैं ना, रिसेंट में आपने देखा है कि दिल्ली में बेसिकली बाल जो मजदूर है उनको, सभी लोग को इकट्ठा किया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है, जो बच्चे कम उम्र के जिनसे काम कराया जा रहा है उनको, उनके हाई उनके न्यूट्रिशन को के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, एक गार्जियनशिप को लेकर के सारे सपोर्ट वहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से उनको प्रोवाइड की जा रही है। तो बिहार के बाहर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की पहचान अब आसानी से हो सकेगी, श्रम संसाधन विभाग इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। इस सॉफ्टवेयर
के माध्यम से प्रवासी मजदूरों का डेटा तैयार करने में सुविधा होगी। आंकड़ा रहने पर मजदूरों की खोज करने में भी सरकार को सुविधा होगी। राज्य में कितने बिहारी काम कर रहे हैं? विभागीय अधिकारियों के अनुसार कोरोना काल में लगभग 20 लाख मजदूर विभिन्न राज्यों से घर वापस लौटे थे। इसके बाद उनके गाँव के पास स्कूल या सरकारी भवनों में रखा गया था। क्वारंटाइन सेंटर पर रहने के दौरान मजदूरों की उनके स्किल के मुताबिक सूची तैयार की गई थी। ये ध्यान रखिएगा, दूसरे राज्यों में काम करने वाले मजदूरों की ट्रैकिंग करने में परेशानी नहीं हो, इसको लेकर के एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। इसके बाद मजदूरों को स्किल का डेटा और बिहार के बाहर कहाँ काम कर रहे हैं आदि पूरी जानकारी विभाग के पास उपलब्ध होगी। ये श्रम संसाधन विभाग जीवेश कुमार मंत्री के द्वारा बोला जा रहा है। आंकड़ा रहने पर मजदूर की खोज करने में सुविधा होगी। कोरोना काल में 20 लाख मजदूर विभिन्न राज्यों से लौटे थे, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे बनाया जा रहा है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर न्यूज़, न्यूज़ नंबर 18 आप यहाँ पे देख सकते हैं। सूबे के 60 लाख लाभुक नहीं करा सकेंगे ई-केवाईसी, नहीं करा सके ई-केवाईसी। देखिए, ई-केवाईसी कराना था ना, लास्ट डेट था ना 31 मार्च तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीएम किसान सम्मान योजना के 60 लाख लाभुकों का तय समय तक ई-केवाईसी नहीं हो सका है, लिहाजा जो काम मुफ्त में होता अब उसके लिए रुपए खर्च करने होंगे। सरकार ने समय तो 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई कर दिया, लेकिन सुविधाएं कम कर दी हैं। अब किसानों को ई-केवाईसी के लिए हर हाल में सुविधा केंद्र पर ही जाना होगा। जो सुविधा केंद्र है, सेंटर है, वहीं पे जाना होगा। ठीक है, वहाँ उनके लिए 15 रुपये का भुगतान भी करना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, 85 लाख किसानों को मिलती है राशि बिहार में, और 25 लाख किसानों ने ही लिया है ई केवाईसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी आप देख सकते हैं 60 लाख आप किसान अभी भी आप देख सकते हैं जिन्होंने ई केवाईसी नहीं कराया है, अब उनके लिए उनको सेंटर में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको लेकर के यहाँ पे बात की जाए, सेंटर में अब उनको भुगतान भी लगेगा, बहुत सारे फैसिलिटीज से वंचित भी रह पाएंगे, उसी को लेकर के बात कही जा रही है। ठीक है, 31 मार्च लास्ट डेट था। जल्द से जल्द मेट्रो का लाभ लोगों को मिले, ये यहाँ पे निर्देश दिया जा रहा है। 47 शहर को मिला है लोन। नगर निकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने पीएम फुटपाथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना की जानकारी दी है। बताया कि 47,423 लाभुकों को लोन प्रदान यहाँ पे करा दिया गया था। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक, ये आपका 19 नंबर हो गया। 20 नंबर, स्वास्थ्य संस्थानों को प्रदूषण नियंत्रण परिषद का प्रमाण पत्र यहाँ पे लेना अनिवार्य, यहाँ पे बोला जा रहा है प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होना चाहिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश पर हो रही है कवायद। 15,027 स्वास्थ्य संस्थान पार्षद के प्रमाण पत्र के बिना ही संचालित है। प्रदेश में सभी सिविल सर्जन को पर्षद से सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए शुल्क जमा करने का निर्देश दिया गया। निगरानी के लिए गठित बैठक में सर्टिफिकेट लेने में लापरवाही बरते जाने पर चिंता जाहिर की गई है। ठीक है, तो उसी को लेकर के बात की जा रही है। प्रदेश के सभी सरकारी एवं निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद से जीव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश के आलोक में स्वास्थ्य विभाग जीव चिकित्सा अपशिष्ट और सामूहिक जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बाबत स्वास्थ्य विभाग के सचिव गोरखनाथ ने सभी सिविल सर्जन का अधिकारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य उपकेंद्र को जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन का सर्टिफिकेट लेने को राज्य प्रदूषण परिषद में तत्काल आवेदन करने के लिए अन्य मद से 2,000 रुपये का शुल्क जमा करने का निर्देश भी दिया है। ये ध्यान रखते चलेगा, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ये आज का 20वां नंबर न्यूज़ है, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। ठीक है, 21वां नंबर न्यूज, आज का ये अंतिम न्यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं। आईटी पटना की मदद से सवेरेगा चारों स्मार्ट सिटी की सूरत। यहाँ पे चारों स्मार्ट सिटी की बात यहाँ पे कही जा रही है, तो यहाँ देख सकते हैं बिहार के चार शहरों की तस्वीर बदलने में आईटी पटना के विशेषज्ञ इंजीनियर बहुत ज्यादा यहाँ पे उनके द्वारा मदद करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, स्मार्ट सिटी में जुड़े प्रोजेक्ट के मूल्यांकन को लेकर के गुणवत्ता आईटी विशेषज्ञ इंजीनियर की टीम देखेंगे। पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर की बात यहाँ पे कही जा रही है। स्मार्ट रूप के रूप में इसको चयनित किया गया। हाल ही में इन चारों शहरों के लिए थर्ड पार्टी असेसमेंट का जिम्मा आईटी पटना को मिला है। एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। तो राज्य के विकास में मदद करेगा आईआईटी निदेशक, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रोफेसर टीएन सिंह ने कहा है कि राज्य के विकास की दिशा में आईटी कई स्तर पर मदद कर रहा है। तो चार राज्य जो चारों स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है, वो पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर की बात यहाँ पे कही जा रही है, जिसको ये क्या करेगा, स्मार्ट सिटी में बदलेगा। बिहार शरीफ का चयन 2018 में किया गया था। बिहार शरीफ का चयन स्मार्ट सिटी में सबसे अंत में वर्ष 2018 में हुआ था। यह काम सबसे तेज गति से चल रहा है। यहाँ 552 करोड़ रुपए के 28 प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ है, जबकि 1520 करोड़ रुपए के 47 प्रोजेक्ट का टेंडर जारी किया गया।
जिस पर काम समय में पूरा होने की उम्मीद है, ये ध्यान रखिएगा, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ठीक है। तो ये आपका 21 नंबर न्यूज़, तो ये था पूरा न्यूज़ एनालिसिस आज का बिहार न्यूज़ का। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया है तो शेयर भी करते हुए चले, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके जब भी कोई भी वीडियो यहाँ पे आपका लॉन्च है, यहाँ पे अगर वीडियो अपलोड हो, कोई भी क्लासेस आए, कोई भी सेशन आए, तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और टाइमली आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे चैनल लिंक आपको मिल जाएंगे, फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह सब मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, सजेशन हो या फीडबैक देना हो, तो आप मुझे यहाँ पर भेज सकते हैं इस मेल आईडी पर, ताकि आपके सारे डाउट्स को वहाँ पे क्लियर किया जा सके, ठीक है। ये और अगर पीडीएफ आपको भी चाहिए इसका, तो पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर प्रोवाइडेड है, उस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप कीजिएगा और वहीं पे आपको सारे पीडीएफ्स वगैरह उपलब्ध करा दिए जाएंगे, पेड पीडीएफ है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये उसी को लेकर के ध्यान में रखते हुए चलेगा, वो सारे इन्फॉर्मेशन सुबह 11 बजे वाले क्लास में आपको प्रोवाइड कर दी गई है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद जय भारत।